हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विशाल रेडू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना, चीन। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टेंसेस एंड दिस इज पार्ट वन ऑफ द टेंसेस वेयर वी शैल डिस्कस ओनली प्रेजेंट टेंस। टेंसेस देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीन टेंसेस के आगे चार चार आगे इसकी और पार्ट हैं, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम केवल और केवल प्रेजेंट टेंस डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टेंस के आगे चार पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा इसके अंदर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या सेंटेंस की फॉर्मेशन रहती है, क्या क्या चीज हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के अंदर। तो असर्टिव रूल क्या कहता है कि जब सेंटेंस असर्टिव है, अफर्मेटिव है, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम यूज करते हैं और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहां पर यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कहां पर यूज करेंगे। तो हमें यह देखना होगा कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट या कोई भी नाउन, यानी कि नेमिंग वर्ड्स, चाहे वो नेम ऑफ प्लेस हो, पर्सन हो या नेम ऑफ थिंग हो, तो ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर। कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाउन होगा तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के अंदर। इसके अलावा चाहे फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल है, उस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। नेगेटिव रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर आती है, यहां एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता और लास्ट में ऑब्जेक्ट चला जाता है। अब फिर वही बात आती है कि डू कहां पर यूज हो और डज कहां पर यूज हो। कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी कि वही ही, शी, इट या कोई नाउन होगा, उस केस में हम डज नॉट यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। अदरवाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। तीसरा है इंटरोगेटिव रूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब रूल्स जो है हम डिस्कस करेंगे कि क्या रूल हो, क्या ऐसी पहचान हो कि हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो है यूज करें। फर्स्ट पॉइंट हमारा है टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन। कि जो कार्य, जो एक्शन परमानेंट है, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26th ऑफ जनवरी। कि रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी के दिन आता है, यानी कि ये परमानेंट एक्शन है। कि 26 जनवरी की जो तारीख है वो हमेशा रिपब्लिक डे होती है। तो जब भी कोई परमानेंट एक्शन है उसको शो करना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट। कि आदत से संबंधित कोई काम है जो कि प्रेजेंट के अंदर है, समय ऐसा हो जो प्रेजेंट का हो और हैबिट से रिलेटेड कोई काम हो, आदत से संबंधित कोई काम है, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। तो जहां पर डेली, यूजुअली, एवरीडे इस तरह के वर्ड्स आते हैं वहां हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और क्योंकि ये
सेंस अगर हम इसकी निकालेंगे तो ये हैबिट से रिलेटेड आदत से संबंधित काम है कि मैं हर रोज सुबह जल्दी उठता हूं, यानी कि मुझे सुबह जल्दी उठने की क्या है, आदत है। तो हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट का हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। तीसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, ऐसी बात जिसको सभी क्या मानते हो कि ये बात सच है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, उदाहरण के तौर पर कि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, सभी को पता है। और यूनिवर्सली ये बात क्या है, ट्रू है कि सन जो है वो हमेशा कहां से राइज करता है, ईस्ट से। तो जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आएगी तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है टू एक्सप्रेस पोजेशन और ऑनरशिप, पोजेशन को शो करने के लिए, ऑनरशिप को शो करने के लिए, हक जताने के लिए। सी ऑन्स ए पैलेशियल बिल्डिंग, कि उसने बहुत ही भव्य बिल्डिंग जो है खरीद ली है। तो जब भी पोजेशन की या ओनरशिप की बात आएगी उसको शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होता है। फिफ्थ पॉइंट है टू एक्सप्रेस रूटीन वर्क, दैनिक कार्य जो है उसको शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू द कॉलेज बाई बस, कि वो बस से जो है कॉलेज जाता है, यानी कि उसका रूटीन का काम है कि उसे कॉलेज जाना है, और कैसे जाना है, बस से जाना है। नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें जो असर्टिव रूल है उसमें सेंटेंस की जो फॉर्मेशन रहती है वो क्या रहती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी और उसके साथ ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि इज कहां यूज हो, एम कहां, आर कहां। एम यूज होता है आई के साथ और इज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सभी के साथ आर का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तीसरा हमारा है कि इंटेरोगेटिव रूप, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है इज एम आर, कि ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसके रूल्स क्या कहते हैं, क्या पहचान हो। फर्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, कि जब भी हम निकट भविष्य के किसी काम की बात करेंगे तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम टेंस यूज करेंगे, क्योंकि सेंस एक जैसी निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई मदर इज गोइंग टू मुंबई टुमारो, कि मेरी माँ कल मुंबई जाएगी या मेरी माँ कल मुंबई जा रही है, दोनों की सेंस एक जैसी निकलती है। तो हम यहाँ कंटिन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी नियर फ्यूचर की बात आएगी तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है फॉर द टेम्पररी एक्शन इन प्रेजेंट, कि जब भी हम किसी टेम्पररी काम की बात करेंगे, प्रेजेंट का समय होगा, वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने किया था परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, टेम्पररी एक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल वी आर फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दीज डेज, इन दिनों हम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यानी कि रूटीन के अंदर ऐसा नहीं होता है कि ये टेम्पररी कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। तो जब भी कोई टेम्पररी एक्शन होगा वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन इन प्रेजेंट, कि जब भी प्रेजेंट का समय दिया हो और एक्शन हमारा क्या हो, कॉन्टिन्यूटी में हो, प्रोसेस में हो, चल रहा हो, तो वहां हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज रीडिंग ए नॉवल नाउ, नाउ से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट का समय है, और सेंस जब हम निकालेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन आ रहा है कि वो अब नावल पढ़ रही है, यानी कि नावल पढ़ने का जो काम है वो क्या है, प्रोसेस में है, कंटिन्यूटी में है, चल रहा है। तो इसको शो करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके असर्टिव रूल में जो सेंटेंस की फॉर्मेशन रहती है उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट टेंस के अंदर, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब हैज कहां पे यूज हो, हैव कहां पे यूज हो, कि जब हमारा सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी कि ही शी इट या कोई भी नाउन होगा तो हैज यूज करेंगे, बाकी सभी पर्सन के साथ हैव यूज किया जाता है, लेकिन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है परफेक्ट टेंस के अंदर। नेगेटिव रूल के अंदर क्या आ जाएगा, हैज या हैव के साथ नोट लग जाता है, तो सब्जेक्ट हैज नोट या हैव नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट चला जाता है। अब इसके रूल हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी पहचान हो के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करें। फॉर द एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट कंटिन्यूज, एक्शन कंप्लीट हो गया हो लेकिन उसका इफेक्ट अब भी जारी हो, तो उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, कि ग्रेजुएशन हो चुकी है लेकिन उसका इफेक्ट अब भी है, तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा पॉइंट हमारा है फॉर द एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, जो अभी अभी कोई काम हुआ हो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी हैज जस्ट रिसीव द लेटर, यानी कि अभी अभी उसको कोई लेटर जो है मिला है, यानी कि ये एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड, फॉर द कंप्लीटेड एक्शन इन इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, कि पास्ट का जो है इनडेफिनेट टाइम हो और उसके अंदर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे ट्रेन हैज रीच द स्टेशन, लेकिन टाइम नहीं दे रखा कि कब पहुंची है, लेकिन एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है पास्ट के अंदर। लास्ट है प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके असर्टिव रूल के अंदर क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस और फॉर। नेगेटिव रूल के अंदर हैज नॉट या हैव नॉट लग जाता है, बाकी सेंटेंस सेम रहता है। इंटरोगेटिव के अंदर हैज और हैव केवल ये सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस और फॉर। रूल क्या कहता है, फॉर द एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, जो पास्ट में हो गया है लेकिन अब भी चल रहा है, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1996, के 1996 से हम इस घर के अंदर रह रहे हैं, यानी कि पास्ट से ये एक्शन अब भी जो है चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, शी हैज बीन वेटिंग फॉर हर फ्रेंड फॉर 2 आवर्स, के पिछले 2 घंटे से वो अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही है, लेकिन इसमें भी यही सेंस आती है कि एक्शन पास्ट से शुरू हो गया है और अब भी वो चल रहा है। तो जब भी कोई एक्शन पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट के अंदर वो चल रहा है, उसको शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।